हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी चैनल ए टू जेड हार्डवेयर वर्ल्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके हार्डवेयर में बिकने वाले रेगुलर आइटम की। जी हां दोस्तों, आज हम इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हैं और यहां पर हम आपको जाली के मैन्युफैक्चरर से मिलाएंगे और यहां पर कितनी तरह की जालियां मौजूद हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मॉस्किटो नेट के बारे में। मिस्त्री लैंग्वेज में इसे मच्छर जाली भी कहा जाता है। इसका यूज बहुत जगह होता है दोस्तों। मिस्त्री इसे मोटी रेती बालू रेती छानने के यूज में भी लेते हैं। जिनके अतार के गेज बढ़ जाता है तो वो मोटी रेती बालू रेती मुरम छानने के यूज में आती है। और दोस्तों यहां पर आपको मुर्गा जाली भी देखने को मिलेगी जो कि प्लास्टर के अंदर यूज की जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों वेल्ड मेश चेन लिंक काटा तार इनके बारे में। दोस्तों आप ये जो जाली देख रहे हैं इसे वेल्ड मेश कहा जाता है। सबसे पहले इसके गेज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें गेज जो होता है 10 गेज, 11 गेज, 13 गेज, ये गेज जो दोस्तों होता है ये मोटाई पतलाई तार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि दोस्तों 10 गेज जो होता है वो 10 गेज मोटा होता है, 11 गेज उससे पतला होता है और उसके बाद सबसे पतला 13 गेज आता है। जो 10 गेज होता है दोस्तों वो बाउंड्री वॉल के अंदर यूज किया जाता है और बहुत से मिस्त्री इसे गेट वगैरह के यूज में भी लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चेनलिंग के बारे में। आप ये चेनलिंग जाली दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर चेनलिंग जाली आपको गैलोनाइज के अंदर मिल जाएगी और उसका जो साइज होता है दोस्तों वो उसी तरह होता है जैसे 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। अब इसके अंदर दोस्तों गेज तो चलता है, उसके साथ साथ इसमें जो खाने होते हैं, गाले होते हैं, जाली के जो गाले होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं जिससे जाली के वेट में, बंडल के वेट के अंदर फर्क पड़ता है। जैसे कि 3x3 का गाला आप देखेंगे तो इसका बंडल जो होगा वो 50 फीट का, उसका वजन कम होगा क्योंकि ये जालियां दोस्तों वेट के अंदर बिकती हैं। अब ये जो जाली देख रहे हैं दोस्तों ये 2x2, 3x3 के गाले के अंदर, हम आपको बता दें कि ये 2x2 का गाला है, 3x3 का गाला है। जैसा गाला छोटा होगा वैसा जाली का वजन, बंडल का वजन बढ़ जाएगा। ये पूरा बंडल आता है दोस्तों और इसका जो रेट होता है वो केजी से चलता है। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं 3x17 जाली जो कि मिस्त्रियों के यूज में आती है। इसमें भी गेज चलते हैं दोस्तों। इसमें 16 गेज, 18 गेज, 13 गेज, ये सभी तरह के गेजों के अंदर आती हैं दोस्तों। ये पिंजरा बनाने और छनने के काम में आती हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है अगर रेगुलर में देखा जाए कि आपके हार्डवेयर पे शॉप पे, तो आप इसे वेंटिलेशन की जाली भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि ये जाली जो होती है ये मोटी रेती और बालू रेती के छानने के काम में आती है। जो कि मैंने आपको मॉस्किटो नेट शुरू में दिखाई थी वो बालू रेती के छानने के काम में आती है और ये मोटी रेती के छानने के काम में आती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आधा 16 जाली की। आधा 16 जाली इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये भी केजी से चलती है। ये इनके रेट थोड़े ज्यादा होते हैं वेल्ड मेश की तुलना में और चेनलिंग जाली की तुलना के अंदर। ये पिंजरे बनाने की यूज में ली जाती है। इसके अंदर भी दोस्तों 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट पना रेगुलर आपकी दुकान पर, हार्डवेयर की शॉप पर बिकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये जाली जो देख रहे हैं आप, ये 4x4 और 3x3 के गाले की है। ये भी वेल्ड मेश होती है दोस्तों। इसमें भी 11 गेज, 10 गेज, 13 गेज चलता है। ये दोस्तों कूलर के अंदर जो घास होती है उसे रोकने के काम में कूलर वाले यूज करते हैं दोस्तों। ये सीजनल जालियां होती हैं, सीजन पे बिकती हैं। आप इसे पौधे के आउटसाइड भी लगा सकते हैं पौधे के अंदर, क्योंकि इसका तार हल्का होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं काटा तार की। दोस्तों जैसे चेनलिंग जाली बाउंड्री वॉल के यूज में आती है, फेंसिंग के यूज में आती है, इसी तरह काटा तार आता है जो कि ये खेतों के अंदर ज्यादा लगता है। चेनलिंग की तुलना में दोस्तों काटा तार सस्ता पड़ता है और इसकी जो लंबाई होती है एक बंडल की वो 1000 फीट होती है। आपको हल्का बंडल चाहिए दोस्तों तो 27 किलो के अंदर आपको 700-800 फीट के समथिंग वायर आपको मिल जाएगा। पर 30 किलो का जो दोस्तों बंडल होता है वो आपको 1000 से 1200 फीट तक के बाजार में मिलेगा। और ये दोस्तों आपके हार्डवेयर की शॉप पे रेगुलर आइटम होता है जो कि डेली बिकता है। दोस्तों आप ये वायर देख रहे हैं ये भी फेंसिंग के यूज में आता है। आपने फैक्ट्रियां देखी होंगी उसके बाउंड्री वॉल पे ये राउंड राउंड करके लगाया जाता है। और दोस्तों ये भी काटा तार के अंदर आता है, काटा तार की रेंज में आता है। यदि अगर आप आपके हार्डवेयर की शॉप पे काटा तार बेचते हैं तो ये वायर भी आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोफेट शीट की। दोस्तों ये जालियां देख रहे हैं आपको इसे गेट में भी यूज किया जाता है, सोयाबीन के अंदर क्रेशर मशीन के अंदर यूज किया जाता है। इसमें भी 3 और 4 फीट पना होता है और दोस्तों इसमें भी गेज चलते हैं जो कि अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं। दोस्तों यहां पर सभी तरह के गेज में जाली रखे हैं जो कि रेगुलर में, आपको गेज के बारे में बता दूं दोस्तों तो वो गेज आपको 24 गेज, 18 गेज, 16 गेज के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर कितनी तरह की जालियाँ मौजूद हैं और ये मैन्युफैक्चरर हैं। और आपको इनका पता मैं आपको बता दूं कि इंदौर मध्य प्रदेश है और राहुल इंडस्ट्री के नाम से इनकी फर्म है।